सी के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मैं पास सलामत गौरी मेरा तल्लक सिला स्टार मिनिस्ट्री के साथ है और मैं फाजलिया कलोनी चर्च सिला स्टार मिनिस्ट्री का सीनियर पास्टर हूँ और मैं शुक्रगुजार हूं हूँ ख़ुदा के खादम जॉन एडी साहब का और सिस्टर रेचल का और किंग टीवी की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ पर मद़ किया ताकि मैं खुदा का कलाम ए, खुदा के लोगों तक पहुँचा सकूँ जो मेरा मजमून है वो है वट इज़ फास्टिंग रोज़ा क्या है तो मेरे अजीज़ों आज मैं आपको रोज़े के तल्क से चंद बातें ए, आपके सामने कलाम खुदा में से शेयर करूँगा और यकीन आप इससे बरकत पाएंगे और आप जानेंगे कि रोज़ा क्या है और इस बात से कि हम आज रोज़े के बारे में सीखने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये रोज़े नहीं हैं ये रोज़ा है खुदा मुदी मसीह ने रोज़े नहीं रखे बल्कि 40 दिन का एक रोज़ा रखा और उस रोज़े में खुदा मुदी यसुम ने अबलीस पर फतह पाई और रोज़े का जो असल मतलब है वो ये है कामयाबी सरफराजी और हिम्मत जुरत और खुदाए सलूस का ज़ोर तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम इस ईमान से रखें कि हमारा खुदा हमें उस रोज़े में फता बख्शेगा कामयाबी बख्शेगा और अपने जलाल में आगे बढ़ाएगा तो आइए हम देखते हैं यर्मिया नबी का सहीफा उसका छत्तीसवा बाप उसकी छठी आयत को कि कलाम खुदा के अंदर रोजे के बारे में हमें ओल्ड टेस्टाम के अंदर क्या मिलता है तो मेरे साथ रहिएगा रोजे का जो मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कामयाबी है सरफराजी है वो सरेआलम बहुत सारे मोलम बहुत सारे खादम बहुत सारे पास्टर रोजे के तल्ल से बहुत कुछ बताते हैं रोजे के बारे में वो बहुत सारी आ, बातों को हमसे शेयर करते हैं लेकिन मैं आपसे चंद बातें शेयर करूंगा और लिखा हुआ है पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुम्हार में लिखा है खुदावंद के घर में रोज़े के दिन लोगों को पढ़कर सुना और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तू वही कलाम पढ़कर सुनाना खुदावंत के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो मेरे अजीज व खुदा अपने बंदा यर्मिया से फरमाता है कि तू जाकर रोजे के बारे में उन लोगों को तलीम दे कहा जाकर मेरे घर में जाकर जहां मेरे लोग रहते हैं जहां मेरे लोग झुकते हैं तो वहां जाकर रोजे की मुनादी कर रोजे के बारे में बता ताकि वो रोजा रखें और मेरी कुदरत को जाने और मेरे करीब रहें और मैं उनको बरकत दूं तो पहली बात रोजा जुए के बंधन तोड़ता है इसलिए खुदा ने यर्मिया को भेजा ताकि उनके जो जुए हैं उनके बंधन टूट जाए दूसरी बात रोजा भूखों को खाना खलाना है खुदा का बंदा युसाया इसके बारे में बताता है कि उसने मुझे यह हिकमत दी कि मैं भूखों को खाना खिलाऊं तीसरी बात रोजा दूसरों की मदद करना है जिस तरह ये सुसुमसी लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं खुदा के खादम खुदा के रसूल लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं चौथी बात रोजा मजलूमों को आजाद करना है अगर यह रोजा है तो फिर हमें इसके मुताबक जिंदगी बसर करने की जरूरत है और मेरे अजीजों खुदा का बंदा फरमाता है कि रोजे के लिए एक दिन मुकरर करो जब खुदा का बंदा यर्मिया इस बारे में हमें नबी इस बारे में हमें बताता है पहला बाप उसकी चौदहवीं आयत में कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो रोजा खुदा की तरफ से जब कलीसियाओं में रोजे की मुनादी की जाती है कि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में रोज़े को जानो खुदा का बंदा यर्मिया फरमाता है मेरे अजीज़ों हमें इस बात को जानना है कि हमारी जिंदगी में रोज़े की क्या अहमियत है और खुदा का बंदा योइल भी इस बारे में कहता है कि एक दिन रोजे लिए मुकद्दस करो बहुत सारे लोग आ, चर्चिस के अंदर यहाँ बहुत सारे खादम इस बात को लेते हैं कि रोज़ा हम पर लाजम नहीं है मेरे अजीज व जब यसुम सी ने इस रूह ज़मीन पर अपनी ख़िदमत में कहा कि जब दूल्हा होगा तो फिर ये रोज़ा रखेंगे इसका मतलब है हमें रोज़ा रखना चाहिए अगर हम आस्तर को देखें तो उसने जब रोज़ा रखा तो खुदा ने उसको कामयाबी दी तो ए, इस बारे में भी हम देखते हैं कि किस तरह आस्तर ने रोज़ा रखा दाऊद ने रोज़ा रखा और नेहमिया ने रोज़ा रखा योना आ, 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 जो तरसीस के लोग थे उन्होंने नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा तो मेरे अजीजों हमने इस चीज़ को जानना है कि किस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लोगों ने रोज़े रखे और ख़ुदा ने उनको कामयाबी बख्शी तो जब तक हम रोज़ा नहीं रखते हम खुदा की क़ुरबत को हासिल नहीं करते इसलिए आज हमने इस बात को जानना है और हमने इस बारे में खुदा के उस मकसद को अलाही मकसद को पूरा करना है ताकि हम अबलीस पर फतह पा सकें और जब हम रोजे की अहमियत को जानेंगे नहीं रोजे के उस आ, आ, रोजे के उस मकसद को नहीं जानेंगे हम कभी भी खुदा के नज़दीक नहीं आ सकते तो एक और बड़ी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं रोजा कामयाबी को जाहिर करता है जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब आस्तर और उसकी सहेलियों ने रोजा रखा और उन्होंने खुदा से कामयाबी हासिल की मेरे अजीजों इसी तरह हमें आगे चलकर मिलता है कि खुदामंद रोजा रखने वालों को जोर देता है खुदांद रोज़ा रखने वालों को ज़ोर देता है तकवीयत देता है उनके हौसले बुलंद करता है और रोज़ा कैसे रखना चाहिए किस तरह रोज़ा रखना चाहिए हमें नबी की किताब में मिलता है दो लोहन नबी की किताब उसका दूसरा बाप उसकी बारहवीं आयत में पूरे दिल से रोज़ा रख कर खुदा की तरफ रुझू लाओ किस तरह मेरे अजीज़ों पूरे ईमान से खुदांद की तरफ रजू लाना है अपने आप को पाक करना है अपने आप को उन सारी दुनिया की ख्वाहिशों से दुनिया की उन भागन भाग से निकाल कर खुदावंद के करीब आना है ताकि हम खुदा को रोज़े के साथ पसंद आ सके ज़रूरी नहीं है कि रोजे ये चालीस रोज़े यही हम रखें ये चालीस रोज़े नहीं बल्कि मैं पहले बता चुका हूँ ये एक रोज़ा है जो ये सुमसी ने रखा तो कलाम बताता है जब तू रोजा रखे ने कहा जब तू रोजा जब भी रोजा रखे हम कभी भी रोजा रख सकते हैं किसी भी दिन रोजा रख सकते किसी भी महीने रोजा रख सकते हैं और खुदा का बंदा फरमाता है अपने लिए एक दिन मुकर्रर कर कौन सा दिन आपको अच्छा लगता है किस दिन आप खुदावंद को पूरे का पूरा दिन दे सकते हैं किस तरह आप खुद के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं किस तरह आप खुद में भट सकते हैं वो एक ही चीज़ है और वो रोज़ा है जब आप रोज़े में खुद के करीब आते हैं वो आपसे बातें करता है वो आपसे हम कलाम होता है मेरी बेटी या मेरे बेटे मुझे बता कि तू तुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है खुदाद जानता है इसलिए जब भी आप रोज़ा रखें खुद के सामने रजूल आएँ खुदाद के पास आएं उसके करीब आएँ और उसकीबत को हासिल करें तो ये बात खुदा का क़लाम बताता है कि पूरे दिल से रोज़ा रखना है और खुदांद की तरफ जूल आना है दूसरी बात रोज़ा कैसे रखना चाहिए किस तरह रोज़ा रखना चाहिए खुदा का क़लाम हमें बताता है मुकदस मती रसूल की अंजील मेरे साथ रहिएगा मुकदस मती रसूल की अंजील उसका चैप्टर सिक्स और वर्स सिक्सटीन आइए इसको देखते हैं बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है कि खुदांद यसुम सी अपनी खिदमत में रोज़े के तल्ल से हमें क्या बताते हैं मुकदसमती रसूल की अंजील उसका बाप सिक्स और वर्ष सोलह बड़ी ख़ूबसूरत बात है जो आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे साथ रहिएगा यहाँ पर यूं मरकूम है और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा मेरे अजीज व खुदाम यसुम सी मुकदसमती रसूल की मार्फत यूं फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना इसका मतलब है कि उन जैसा तेरा चेहरा ना लगे जो रोजा तो रखते हैं लेकिन अपने काम नहीं छोड़ते जो रियाकार हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं दूसरों को उकसाते हैं और साथ में जताते हैं कि मैंने रोजा रखा है और दूसरी बात वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने खुदा का कलाम इस बारे में बताता कि तू ऐसा ना करना बल्कि तू क्या करना कि अपने सर में तेल डालना और अपना मुंह धोना ताकि कोई तुझे रोजादार ना जाने बल्कि वो जो पुशीदगी में है तेरा बाप वो तेरे उस रोजे के मकसद को जानता है और उसको पूरा करेगा और तुझे हर एक उस चीज से अछूता करेगा जो तेरे दिल में है क्योंकि वो सब कुछ जानता है और याद रख के अगर तू ऐसा रोजा रखेगा तो खुदावंद उस रोजे का तुझे बदला देगा बदला क्या देगा जैसे हम पीछे देख चुके हैं खुदा ने आस्तर को बदला दिया खुदा ने नैनवा के लोगों को उनके रोज़े का बदला दिया खुदा वन, ए, किस तरह अपने लोगों को ए, फता पर फतः अता करता है जब वो रोज़ा रख कर खुदा के करीब आकर गिरियाजारी करते हैं उसकी तरफ झूल आते हैं हम नैनवा के लोग देखते हैं कि जो अपने अपने कामों में थे जब उन्होंने रोज़ा रखा तो वो खुदा की तरफ आए उन्होंने अपना मुंह नहीं बगाड़ा बल्कि वो खाकसार हुए उन्होंने खुशी से रोजा रखा जब खुशी से रोजा रखा खाकसार हुए सब कुछ भूल गए दुनिया को छोड़ दिया दुनिया को रद्द कर दिया और अपने आप को खुदा के करीब ले आए तो खुदा ने उसका बदला कह दिया कि उनको माफ कर दिया जब आस्तर और उसकी सहेलियां खुदा के करीब आई खुदा के पास आई खुदा की तरफ झूल आई उन्होंने रोजा रखा तो क्या हुआ खुदा ने उनको कामयाबी और सरफराजी अता की नहमिया आंसू बहा बहा कर खुदा मंद के आगे गिरे आजारी करता है रोजा रख कर उसके पास आता है जब उसे पता चला नहमिया को क्या फसीलें टूट चुकी हैं लोग सड़कों पर बैठे हैं वाह वेला है उसकी कौम उसके लोग भूखे हैं तो वो खुदा के करीब आया गिरे आजारी की खाक सारोबार रोजा रखा और खुदा ने उसको फतह से भड़कर गलबा दिया ने उसे अपना जोर देकर इस्तेमाल किया तो मेरे अजीजों ये नहीं है कि हम रोजा ना रखें हम रोजा रखें ताकि खुदा की गुरबत में रहें तो आज हमने इस बात को सीखा है कि रोजा हमने रखना है और वो रोजा जो हमारे मकसद को खुदा तक ले जाए और रोजा आपकी बात को खुदा तक ले जाता है रोजा आपके अंदर की बातें खुदा तक ले जाता है इसलिए जब आप रोज़ा रखें तो ये जानक ना रखें कि मैं भूखा हूँ ये जानक ना रखें कि मैंने दुनिया के लिए रोज़ा रखा है ये जानकर ना रखें मैंने अपने घर के लिए यह जान कर रखें कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा रखा है और खुदा मुझे फ़तह से भर कर गलबा देखा युसया नबी फरमाता है वहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुमने कभी खुदा के लिए रोज़ा रखा मेरे अजीज़ों आज हमने इस बात को जानना है और इस बात में आगे बढ़ना है और एक और बात आखिरी जो शिगिर्द भी रोजा रखते थे ये नहीं है कि शिगिर्द रोजा नहीं रखते थे वो रोजा नहीं जो यसुम जी ने रोजा रखा मेरे अजीजो शिगिर्द फतह पाने के लिए रोजा रखते शिगिर्द खुदा से कुवत पाने के लिए रोजा रखते शिगिर्द खुदा की गुरबत को पाने के लिए रोजा रखे थे शिगिर्द खुदा की अपनाहत को पाने के लिए रोजा रखते तो बड़ी बात उमाल की किताब के अंदर लिखा है रसूलों के उमाल तेरवा बाप मेरे साथ रहेगा मैं आपके सामने इसको शेयर करना चाहता तो हूँ आखिरी बात आई ये और फिर हम इस बात तक पहुंच जाएंगे कि खुदा का कलाम हमें इस बारे में बताता है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए और रोजा कैसे रखना चाहिए मैंने बताया है कि खुदा मदद यह सुन फरमाते हैं कि अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो ताकि कोई भी तुझे रोजादार ना जाने उमाल की किताब उसका तेरह बाप और उसकी दूसरी और तीसरी वर्ष सुनिएगा बड़े गौर से यहाँ पर यू मरखूम है जब वो खुदावंद की आबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहल कुद ने कहा मेरे लिए बरनाबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया मेरे अजीज़ों यहाँ पर हमें रोज़े के तलु से ये बात मिलती है कि जैसा उनको कुदस ने गाइड किया वैसा उन्होंने किया यानी कि इसका मतलब है रूल कुदस ने भी उनको बताया कि रोजा रखो रूल कुदस भी रोजे की यहां पर मुनादी करता है क्या लिखा है जब वो खुदावंत की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे तो रूल कुदस ने कहा मेरे लिए बरनाबाज और सौल को उस काम के बाद से मखसूस कर दो मेरे अजीजों याद रखिए कि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत हमें एक ही बात सिखाती है कि हमने रोज़ा रख कर खुदा के ज़ोर में बढ़ना है खुदा के रुलकुदस में बढ़ना है खुदा के रूल कदस की मर्ज़ी को पूरा करना है और खुदा का रूल कदस हमें बताता है कि अगर तुमने किसी को ख़िदमत के लिए भेजना है किसी को ख़ादम मखसूस करना है या किसी काम के लिए उसको मसा करना है तो उसके लिए रोज़ा रखिए दुआ कीजिए कि खुदांद अपना हाथ उस पर बढ़ाए जब आप रोजा रख कर उसको मसा करते कि वो रोज़ा नहीं जो यसुमसी ने रखा था ये वो रोजा है जो उन्हें यसुमसी ने सिखाया था कि तुम इस तरह रोजा रखना और उसमें तुम मेरी कुर्बत को हासिल करना मेरे अजीजों जब यसुमसी आसमान पर चले गए तो शगिरदों ने रोजे रखे रोजा रख कर उन्होंने ख़िदमत की अबादें की जैसा हमने अभी पढ़ा है फिर उमाल की किताब उसके चौदहवें बाप उसकी तेज मेहत में लिखा है शगिर दुआ और रोज़े में नजर आते हैं क्या आज भी ऐसा है क्या खुदा के खादम दुआ रोजे में नजर आते हैं क्या खुदा के खादम दुआ रोजे में अबादत करते हैं क्या खुदा के खादम दुआ और रोजा रख कर किसी को मखसूस करते हैं खुदा के खादम क्या रोजा रख कर खुदा में आगे बढ़ते हैं याद रखना एक ईमानदार की जिंदगी में एक रास्तबाज की जिंदगी में रोजा उतना ही अहमियत का हमल है जितना मसीह की जिंदगी में था तो रास्तबाज जब तक रोजा नहीं रखता वो खुदा की गुरबत में आगे नहीं बढ़ता वो फता नहीं पाता इसलिए मेरे अजीजों हमने ये जानकर रोजा नहीं रखना ये जानकर रोजों के अयाम को नहीं मनाना बल्कि इस बात में आगे बढ़ना है कि हमने इन रोजों में अपने आप को पाक रखना है खुदा की हजूरी को महसूस करना है खुदा में भरना है और बहुत सारे गलत कमेंट्स भी दिए गए हैं बाइबल इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी तवेदी पक्की नहीं खानी गोश्त हमने घर में नहीं बनाना फलां काम नहीं करना फलां काम नहीं करना याद रखिएगा ये बाइबल मुकदस की तालीम नहीं है बाइबल मुकदस की तलीम यही है कि जब तू रोजा रखे तो अपना अपने सर में तेल लगा और अपना मुंह धो ताकि लोग तुझे रोजेदार ना जाने और दूसरी बात ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि अपने लिए एक दिन रोजे के लिए मुकदस कर पाक कर उस दिन तू रोजे में खुदा के साथ बातें करे मेरे अजीजों यह है रोज़े की अहमियत यह है रोज़ा जब हम इस तरह का रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा को खुश करते हैं ना कि दुनिया को इसलिए आज से इस बात को आप जानिए लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाइए और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस बात को जानें कि रोज़ा आज़ादी है रोज़ा कामयाबी है रोज़ा खुदा की गर्बत है रोज़ा पकीजगी है रोज़ा मजलूमों के बंधन तोड़ देता है जुए तोड़ देता है रोज़ा हमें खुदा के करीब ले आता है इस बात को जानिए और लोगों को बताइए कि हमने किस तरह रोज़ा रखना है ना कि हमने चालीस रोज़े रखने बल्कि वो रोज़ा रखना है जो यीशु मसीह ने में बताया खुदा मंदब सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे आमीन ये हम दुआ मांगे और खुदा के उस अलाही इंतजाम में दाखिल हों जो खुदावन ने रखा कि हमने किस तरह रोजा रखना है खुदावन आसमानी बुजुर्ग बाप मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बेटे जॉन एडी के लिए तेरी बेटी पास्टर रेचल के लिए किंग टीवी की पूरी टीम के लिए में दुआगो हूँ जिनको तूने ये तफीक बख्शी कि वो तेरा कलाम घर घर टी वी के ज़रिए से पहुँचा सकें तेरे कलाम की उन बातों को सच्चाई को उन गहराइयों को उन ऊंचाइयों को लोगों तक पहुँचाएँ और लोग सीखें और तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद इनको आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देना और खुदावंद रूह ज़मीन पर इनको अपने कलाम की खदमत के लिए खूब इस्तेमाल करना बहुत सारे खादमों को लेकर चलें और बहुत सारे कलेशियाओं को ले कर चलें और तेरे नाम को जलाल दें जो ख़िदमत का तोड़ा तूने अपने खादम जॉन एडी को दिया है जो तूने पासर रेशल को दिया है उनकी पूरी टीम को दिया है प्रभु नासरी उस तोड़े को इतना बढ़ा दे कि खुदा मंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए पाकि अव खुदा इन्हें बरकत पर बरकत देना और मंद इन्हें रोहे जमीन पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर तेरा पाकरू इनके अंदर कसरत के साथ काम करे रुल कुछ की आग इनके अंदर काम करे स्पिरिट ऑफ फायर इनके अंदर काम करे पाक हवा खुदा स्पिरिट ऑफ ग्लोरी इनके अंदर काम करे ताकि खुदा तेरा ही नाम जलाल पाता रहे पाकिबा खुदा मैं दिल की अताग्राइयों से शुक्र गुजारी करता हूँ कि इन्होंने तेरे खादम को आज मौका दिया कि मैं रोजे के तल्लुक से तेरे लोगों को कुछ बता सकूँ खुदा खुदा आज हमने सीखा है रोजा क्या है रोजे की अहमियत क्या है खुदांद खुदा हमें वो रोज़ा रखने की तफीक दे जो तुझे पसंद आए और तू तो पशीदगी में उसका बदला दे यह पा खुदा हमें फास्टिंग में आगे बढ़ा और खुदा तेरे खादम फास्टिंग में आगे बढ़ें कलिसिया फ़ास्टिंग में आगे बढ़ें और तुझसे ज़ोर पाएं, पाकरू का ज़ोर पाएं और खुदान् खुदा अबलीस पर फाते हो जाए मेरी क्लीसिया को बरकत दे और खुदा मेरी फैमिली को मुझे बरकत दे और किंग टी वी को और उनके जहाँ जहाँ भी आ, आ, खुदा ख़ादम उनको बरकत दे ताकि तेरा नाम जलाल पाए ये बड़े बड़े काम करें बड़े बड़े काम करें और खुदांद तुझे पसंद आए मेरा ईमान है कि तू अपने बेटे जॉन एडी को और अपनी बेटी रेचल को बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आइए हम खुदा की इस खाई हुई दुआ में शरीक हों आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे जिस हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कर्ज माफ़ कर हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे बल्कि ब्राइस चाह क्योंकि बादशाहीदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन हमारे खुदा मदसी का खुदा बाप की मोहबत अरोहुल उसकी रफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक कौम बन साइल के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ और बिलखसूस प्यारे बेटे जॉन एडी के साथ प्यारी बेटी रेचल के साथ उनकी पूरी आ, किंग टी वी की टीम के साथ और खुदा खुदा मेरी क्लिसिया और मेरी फैमिली के साथ दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होता रहे आमीन खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रोहल कुश के नाम से आमीन आप सब की सलामती हो